जबलपुर में डिजिटल अरेस्ट का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। ये मामला शाहपुरा स्थित सीएम राइज स्कूल के पदस्थ प्रिंसिपल बाल पांडे का है, जिन्हें दो दिन पहले पाकिस्तान के +92 सीरीज के मोबाइल नंबर से फोन आया था। फोन करने वाले शख्स ने खुद को एक पुलिस ऑफिसर बताया था और कहा कि उनका बेटा रेप केस में अरेस्ट हुआ है और उसे फांसी भी हो सकती है। अगर वो अपने बेटे को बचाना चाहते हैं तो तत्काल निर्णय लें और बैंक अकाउंट में जुर्माने की राशि को जमा कर दें। इसके साथ ही फोन करने वाले शख्स ने उन्हें एक बैंक अकाउंट का नंबर भी दिया। ये सब सुनते ही प्रिंसिपल बाल पांडे के होश उड़ गए। उन्होंने तत्काल अपनी पत्नी को बेटे से फोन लगाकर बात करने के लिए कहा। जब उनकी पत्नी ने बेटे को फोन लगाया तो बेटे ने फोन उठाते ही अपने माता पिता का हालचाल पूछा। जब प्रिंसिपल और उनकी पत्नी ने बेटे को पूरी घटना के बारे में बताया तो बेटे ने उन्हें बताया कि ये फ्रॉड कॉल है। व्हाट्सएप कॉल आया तो मैंने व्हाट्सएप कॉल उठाया तो उन्होंने बोला कि आप मेरा नाम क्या, बोले आप बाल पांडे जी है? मैंने बोला हाँ। बोले आपका लड़का समर्थ है? बोला हाँ। तो बोले कि वो रेप केस में अरेस्ट हो चुका है और अभी हमारे अंडर में है, तो बोले पेपर में देना है, पत्रकार आ चुके हैं, पेपर में देना है कि जेल हो जाएगी तो उसके बाद में फांसी भी हो जाती है और ये हो जाती है। तो मतलब बोल कहाँ से रहे आप लोग, मतलब मेरे बच्चे से बात कराऊँ? तो बच्चे से बात, उन्हें एक सेकंड के लिए बच्चे से बात कराई तो रोने वाली आवाज़ पर मिलती जुलती आवाज़ थी, क्लियर कट नहीं थी। तो उनके बाद में वो बोले कि यार वो जो है आपको छुड़वाना है क्या या करना है क्या? तो मैंने बोला मेरे पहले मेरे बच्चे से पूरी बात करने दो, हुआ क्या है, मामला क्या है, उसके बाद में। तो बोले आपको छुड़वाना हो तो हम एक नंबर दे रहे हैं, उस नंबर पे जो है आप पैसे डालिए। तो पैसे डालिए तो फिर हम अभी छोड़ेंगे नहीं, तो अभी हम इसको अंदर कर देंगे। तो मैंने बोला मेरे बच्चे पे मुझे विश्वास है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। तो बोला कौन सा नंबर आया आप बताओ। बोले इनका नंबर तो ले ले हम। तब तक मैं नीचे आया और मिसेज को बोला कि आप बच्चे को फ़ोन लगाओ। तो बच्चे को फ़ोन लगाया तो बच्चे ने उठाया। तो मैंने बोला बेटा ये ऐसा ऐसा फ़ोन आया है। तो ऐसा बोले पापा ये तो बहुत फ्रॉड चल रहा है, आप उसके झांसे में मत आओ। तो फिर मैंने उस सामने वाले को बोला कि ये मेरा बच्चा तो सेफ है, वो तो ये इससे बात कर लो तुम। तो जैसे उससे बात कर लो बोला तो फिर उन्होंने फिर उसको काट दिया। इस घटना के बाद प्रिंसिपल ने अपने दोस्तों को भी व्हाट्सएप के जरिए इस फ्रॉड कॉल की जानकारी दी। बहरहाल प्रिंसिपल के द्वारा सावधानी बरतते हुए खुद को जालसाजी के चंगुल से फंसने से बचा लिया, लेकिन इस मामले की पुलिस में शिकायत नहीं की। हालांकि पुलिस अधिकारी प्रिंसिपल की सूझबूझ की सराहना कर रहे हैं और लोगों से अपील करते हैं कि वो इस तरह के कॉल आने पर घबराने की बजाय उसका वेरिफिकेशन जरूर करें। हाल के ही दिनों में डिजिटल अरेस्ट के जो भी प्रकरण आ रहे हैं उसमें जो ठग या बदमाश होते हैं उनको पता होता है कि जो भी किसी के बच्चे जो हैं, बेटे या बेटी, वो बाहर पढ़ रहे हैं और उसको वो डिजिटल अरेस्ट बताकर इनको भ्रम में रखकर, इनको डर में रखकर, इनको भय दिखाकर किसी भी रूप में वो पैसा ऐंठना चाहते हैं। लेकिन ये एक बहुत अच्छा मामला है जो शाहपुरा के सीएम राइज स्कूल के प्राचार्य बाल पांडे जी का है कि इनको कहीं पाकिस्तान से +92 नंबर से फ़ोन आया था और इनको बोला गया कि आपका बच्चा अरेस्ट कर लिया गया है और इनको छोड़ने के एवज में वो कुछ पैसे की मांग कर रहे थे। तो फिर ये पूरी तरह समझ गए कि ये जो व्यक्ति इनको फ़ोन कर रहा है, जो पाकिस्तान के नंबर से पुलिस अधिकारी बनकर इनको भय दिखा रहा है, वो एक ठग है। और इनने पूरी तरह उनकी बातों को नकार दिया और इस तरह एक बड़े धोखाधड़ी से बाल पांडे जी बच गए। ये बहुत ही अच्छी बात है कि लोग अब जागरूक होने लगे। पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए कॉल करने वाले जालसाजों की जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि फोन नंबर के प्रोफाइल में जिस पुलिस अधिकारी का फोटो दिखाया जा रहा है वो आखिर कौन है।